नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मथुरा में चौथे चरण का जिला पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ। जिला पंचायत के 33 वार्ड में 2155 बूथों पर मतदान हुआ। जिला पंचायत में लगभग 13,11,000 वोटर वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। सभी 33 वार्डों में 7,000 से ज्यादा प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला किया गया। जिला पंचायत की ओर से कड़े निर्देश के चलते मतदान किया गया। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। अंबेडकर नगर में सड़क हादसे में दो सपा नेता समेत दो लोगों की जान चली गई। भीषण सड़क हादसे में सपा नेता सहित दो की मौत हो गई है। गुरुवार की सुबह खंभे से टकराने से हादसा हुआ है। दवा लेकर मारुति वाहन से वापस आ रहे थे सपा नेता। सपा नेता संजय राजभर और उनके एक सहयोगी की मौत हुई है। हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के देवरिया बाजार में यह हादसा हुआ। पीलीभीत में कोरोना से हाजिर रियाज अहमद का निधन हुआ है। पीलीभीत में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजिर रियाज अहमद का निधन हुआ। कोरोना संक्रमित थे। हाजिर रियाज अहमद बीते कुछ दिनों से कोविड अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था। हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें बरेली लाया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाजिर रियाज अहमद के इंतकाल की सूचना मिलने के बाद पीलीभीत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पीलीभीत ने कद्दावर नेता को खो दिया है। हर किसी की आंखें नम है। पीलीभीत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1035 से ज्यादा है। वहीं 8 मौतें एक घंटे में हुई हैं। कोरोना एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जनपद में तीसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद से ही लगातार तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मथुरा में आज सुबह से ही मतदान जोरों से हो रहा था। इसी बीच प्रशासन भी अलर्ट नजर आया और जगह जगह जाकर जायजा लिया गया। त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान आज मथुरा में सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं, जिसके लिए जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन कराने के लिए सभी मतदाताओं के साथ मतदान कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के लिए डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर अपने दल बल के साथ मतदान केंद्रों के निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जो लोग मतदान करने वाले हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं एसएसपी ने बताया कि यहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, जबकि जो लोग शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हैं ऐसे लोगों पर खासा नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जबकि मांड के कई मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से और अब तक 25% वोट डाले जा चुके हैं। उसकी किस तरह से व्यवस्था चल रही है और अभी तक यहाँ पर क्या पाया गया है? आज जनपद भर में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरे जनपद भर में हो रहा है। पूरे जनपद को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। 121 सेक्टर्स और 19 जोन्स के सभी अधिकारीगण लगातार भ्रमणशील रहकर और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, जिनके द्वारा भी लगातार भ्रमण कर इंश्योर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। जो अति संवेदनशील प्लस हमारे मतदान केंद्र हैं वहाँ पर वीडियो कैमरा की व्यवस्था कराई गई है और संवेदनशीलता के हिसाब से ही विभिन्न जगहों पर पुलिस बल की भी पर्याप्त रूप से तैनाती की गई है, तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। बड़ा पीसफुल और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जनपद भर में चल रहा है। देखिए, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद मथुरा में मतदान हो रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर्स और जो हमारी क्लस्टर मोबाइल हैं, थाना मोबाइल हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं। विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है जिनका पहले से ही रिकॉर्ड ख़राब है या जिनके द्वारा किसी भी तरह से चुनाव में व्यवधान डाला जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस कर्मियों के साथ या चुनाव में लगे हुए हमारे प्रशासन के कर्मियों के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करता है उसके ऊपर भी सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरा से नज़र रखी जा रही है। जहां भी कोई ऐसी बात सामने आएगी सख्त आदेश दिए गए हैं कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करें। जो व्यक्ति मतदान करना चाहते हैं बिना किसी डर भय के, बिना किसी प्रलोभन के आएँ और अपना मत का प्रयोग करें और इस जो हमारा लोकतंत्र का महान ये पर्व हो रहा है इसमें अपनी सहभागिता करें और हमारा सहयोग करें। और इसी बीच मतदान केंद्रों पर जाकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने जायजा लिया है। देखिए, मथुरा में आज त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान हो रहे मतदान के लिए यहाँ पे राया क्षेत्र में ये प्राथमिक विद्यालय सवलिया में एक बूथ बनाया गया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जो है उत्साह है वो देखते ही बनता है और वोटों के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो वोटर हैं वो यहाँ आए हुए हैं।
और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में लगकर सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं ताकि उनके गांव की सरकार चुनी जा सके। यहाँ से आज जो है प्रधान और VDC के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य के लिए ये मतदान हो रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये भीतर जो ये पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ पर जो मतदान कर्मी है वो सभी लोगों के हाथों पर स्याही लगा रहे हैं, उनकी पर्चियों को देख रहे हैं। साथ के साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, वहीं मास्क भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा। कुछ और लोग हमारे साथ इधर हैं, हम इनसे बात करते हैं और किस तरह की जो है वोटिंग है वो यहाँ की जा रही है। ऐसे ही कुछ लोग और साथ हैं जो वोट डालने आए, उनसे बात करते हैं। भैया किस तरह की समस्याओं को लेकर वोट कर रहे हैं आप, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? गांव में प्रत्याशी चाहते हैं जो निष्पक्ष अपना काम करे और गांव में ऐसे मुद्दे होते हैं लोगों का, जैसे खंजे हो गया, पढ़ाई वढ़ाई स्तर हो गया, स्कूल में शिक्षा का जो लेवल है काफ़ी कम है यहाँ पे दिखाया जाए, तो स्कूल का शिक्षा का लेवल काफ़ी बढ़ाया जाए और गांव में जो विकास कार्य लाइट हो गई, खरंजे के कार्य काफ़ी अधूरे पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को तो जो सही कर सके उसके लिए वोट डालेंगे और गांव डालने जो वोट डाल लें हम काफ़ी लोगों में हर्षोल्लास से वोट डालें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं काफ़ी लोग। किस तरह की यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कभी कोई अभी तक कोई झगड़े किया वैसे कोई यहाँ पे कुछ तस्वीरें देखने को मिली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला यहाँ पे तस्वीरें कोई, और खूब बढ़िया तरह मतदान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह से जो नेता चुनाव में घर जा जा करके बड़े वायदे करते हैं ऐसे चुनाव और फिर बाद में भूल जाते हैं, उस प्रत्याशी के लिए ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो देना ही मना है, और अपना प्रत्याशी चुनो जो ईमानदार हो और काम बढ़िया कराए उसको चुनो। तो विकास के लिए वोट कर रहे हैं आप? जी जी। तो यहाँ देखा कि इन लोगों का सभी का एक ही जो है मत है और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का, उनके गाँव का जो प्रधान या VDC या जिला पंचायत सदस्य आ जाए वो उनके क्षेत्र का विकास करे और विकास को लेकर कि वो यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि इनके द्वारा किस तरह के जो प्रत्याशी हैं उनको चुना जाता है और आज शाम तक उनके जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का जो है वो इन मत पेटियों के द्वारा अगले 2 तारीख को फिर उनका खुलासा होगा और आगे जाके किसके भाग्य में ये ताज बनता है। सुरेश सैनी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मथुरा। उत्तर प्रदेश में चल रहे आखिरी चरण के मतदान के बाद आज सुबह से ही वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लाइनों की कतार देखने को मिली थी, जिसमें जिला प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली। वोट देने आए ग्रामीणों को ना तो कोरोना का डर था ना ही अपने परिवार की चिंता। यूपी सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार अनुरोध कर रही थी, लेकिन वहीं वोटर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते भी नजर आए। इस बीच कोरोना के इस काल में 80 साल की अम्मा भी एंट्री करते हुए नजर आई और उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डाला और साथ ही साथ कोरोना को इग्नोर कर वो अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए वोट देने के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराया गया और कुछ जगहों पर जिला प्रशासन की कड़ाई के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को भी मिला है, जिसमें वोटर्स ने अपने वोट डाले। उत्तर प्रदेश में चल रहे आखिरी चरण के मतदान के लिए आज सुबह से ही वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली, जिसमें जिला प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। वोट देने आए ग्रामीणों को ना तो कोरोना का डर ना ही अपने परिवार का। जहां यूपी सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अनुरोध कर रही है, तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाते भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय इंद्रपुर इमिलिया परधा में वोट देने के लिए वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें महिला सहित पुरुष नौजवान शामिल हुए, जिसमें ना तो इन लोगों को कोरोना का डर था ना ही तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से इन्हें कोई भी फिक्र थी, इन्हें बस चिंता थी तो अपने प्रत्याशी की। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लंबी लंबी लाइनों की कतार में खड़े हुए नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन की कड़ाई से कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए भी दिखाई दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक भी वोटर में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो पूरे सिस्टम में फैलते देर नहीं लगेगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा? खैर, अब तो इनका भगवान ही मालिक है। वोटरों को तो बस अपने प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने से मतलब है। वहीं वोट देने आए ग्रामीण ने बताया कि हमारा प्रधान अच्छा हो, सबको एक समान देखे और विकास करे। यहाँ पर कोरोना के नियम का पालन हो रहा है, सभी लोग मास्क लगाए हुए और दूरी बनाकर वोट भी दे रहे हैं। वहीं इसी बीच यहाँ पर आखिरी चरण के मतदान के लिए 80 साल की बुजुर्ग भी वोट देने के लिए पहुंची, जिनका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अरे भाई, प्रधान अच्छा हो, कर्मठ हो, कुछ काम करे, अच्छा आदमी हो, पूरे गांव को संभाले और जो है कोई भी छोटा बड़ा सबको एक समान देखे, स्थाई ठीक है, जो है ठीक है। समर में तीसरे पंचायत चुनाव में चौथे चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थी। मतदाताओं का उत्साह गांव की सरकार चुनने का ऐसा था कि देर शाम तक
मतदान केंद्रों पर वोटर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए थे। हालांकि दोपहर में मतदान की गति कुछ धीमी सी थी। इस दौरान मतदान कर्मियों ने राहत की सांस ली। शाम 4 बजे करीब वोटरों ने एक बार फिर से मतदान केंद्र के लिए रुख किया था। डीएम संजीव रंजन और एसपी चक्रेश मिश्रा लगातार चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए थे। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिले में 2-4 जगह फर्जी वोटिंग की सूचना पर पुलिस को दौड़ना भी पड़ा। वहीं कुछ मतदान केंद्रों पर छोटी मोटी झड़प भी देखने के लिए मिली। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।